रिकॉर्ड करना है बिकॉज़ हम लोग जी तो फट रही है इतनी सी चाय यहाँ पे ग्रेविटी एकदम पृथ्वी के ही जैसी है। हमारे गांव में कॉल कहते हैं करते हैं बस सीढ़ी बढ़ाते गाइस। और अगर तुम शांति प्रिय सुपरस्टार की वजह शांति प्रिय सुपर जूनियर आर्टिस्ट भी होती ना हरमाड़ा विलेज में है जो कि राजस्थान के किशनगढ़ में उपस्थित है और हम जा रहे हैं डंपिंग यार्ड की तरफ। आई होप वहाँ पे जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एंट्री वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम ना हो बिकॉज देखने में तो जगह जन्नती है। गाइस गाइस मैं कहाँ गया गाइस गाइस। अच्छा आपने देखा नहीं ना, अभी आप भी मेरे जैसा मुंह बनाओगे कैमरा घुमाओगे तो। टू से क्यों स्टार्ट कर रहा है, 3 2 1 गाइस अमेजिंग। अरे वहां पर फोटो शूट चल रहा है भाई, क्या ओ भाई क्या जगह है यार, ओ भाई क्या जगह, इतनी खुशी। इस गड्ढे को मैं उड़ के पार करूंगा, देखा आई हैव सुपर पावर। थंबनेल आ गया तो फाइनली हमने एक रील शूट करी है यहीं पर फनी सी और अब हम जा रहे हैं वेलकम टू यू शिनोगाड किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन, किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन फोटो शूट। This is the beauty. तो दोस्तों आज हम आए हैं प्लैनेट वीनस पे। यहाँ पे ग्रेविटी एकदम पृथ्वी के ही जैसी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कृपया पानी से दूर रहे, समझे? मतलब ये पानी सिर्फ देखने में खूबसूरत है, अंदर से बहुत जहरीला है, जैसे कि तुम्हारी एक्स। गाइस अरे रे 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 ये मेरी तो फट रही है। अभी मैं बैठा हूँ घोड़े पे और यहाँ पर हो रही है प्री वेडिंग वगैरह शायद उधर, और अभी मैं कुछ अपनी शहनशाह टाइप फोटोज वीडियोस क्लिक करवाऊँगा। और यहाँ पे लोकेशन बहुत सारी है पर धूप उस साइड है, बैकग्राउंड तो सिर्फ वही आएगा ना, कोई ऊपर से वो किसी ने बाइक खड़ी कर रखी है पीछे, उधर कचरा भी है, समझ में नहीं आता कि यहाँ से आए लेकिन पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आएगा ना फिर ब्यूटी वीडियो में, सूरज आएगा फिर बैकग्राउंड में, सूरज आएगा क्या गोविंद भाई, लगाम पकड़ लो। उधर जा सकते हैं उधर उसके बगल में, तो बंद करना बंद कर दिया मैंने, चालू है। उसके बगल में खड़े हो सकते हैं, ये जो टेंट है इसके पीछे क्यों मैं नहीं लूंगा, वो वाला टेंट वाला लेगा। अरे टेंट की नहीं चाहिए, खुले में ही खड़े रखना है बीच में। हाँ वो खुले के लेता है उधर, वो घोड़े वाला पैसे लेगा अलग से लोकेशन के। उसके बाप की जमीन है। हाँ। कौन है वो अपना ही तो घोड़ा ही नहीं का, तेरा ही तो घोड़ा है वो, चल वहीं चल। तो मेरा ही है पर वो उधर वाले नहीं आने देंगे, ये टेंट वेंट लगा रखा है। साइड एंगल ज्यादा लेना क्योंकि इसका मुंह सामने से अच्छा नहीं लग रहा। बाल ठीक है, ये पीछे मत हो लात मार। बिरबल मेरी तलवार दो बिरबल। क्या हो दुश्मन पे हमला किया जाए,
सेनापति लगता है दुश्मन सेना भाग चुकी है, अब हमें ये हमला रद्द करना पड़ेगा। ये लो सेनापति लग रहा है इस टाइम पे यही स्टार्ट। गाइस ये धूप देख रहे हो गाइस, गाइस इसको मैंने अभी बैकग्राउंड में लेकर के क्या खतरनाक शाहरुख खान वाला हाथ फैलाया है, सारी लड़कियां चिपट जाएगी, सही बता रहा हूँ। पसीने से और थकावट से थोड़ा ब्लोटेड फील हो रहा है, आज सोया भी नहीं हूँ मैं, कल 2 घंटे सोया था बस। अरे यार निकालना तुम्हारा, मेरे तो स्लो हो गया ना, रुको मैं शूट करके मिलता हूँ। हाय यार कितना खूबसूरत है यार ये, काश मौसम अच्छा होता। गोविंद भाई वीडियोस बनवा रहे हैं, मैंने भी इस कुर्ते में भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है शाहरुख खान की रिक्रिएशन वाली, वो वाली पता है कौन सी वाली। पर हाँ तुम्हें इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा प्यार और कोई नहीं करेगा, और अगर तुम शांति प्रिय सुपरस्टार की बजाय शांति प्रिय सुपर जूनियर आर्टिस्ट भी होती ना तो भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करता, और देखना एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। चलो अभी हम ये शूट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, बहुत गला सूख गया, थक गया, चेहरे की हालत देख के आप समझ सकते हो कि हमारी लगी पड़ी है। तुमने क्या बोला, उल्टा सीधा कुछ बोलोगा फिर मेरे घर पे जाके कंप्लेन करोगे, हराम खोरो कुत्रे हो, मारो कान के नीचे। एक यहाँ पे हम शूट करेंगे, इधर आ ना यहाँ से, क्लियरिटी आ रही है नहीं? हाँ बढ़िया आ रही है। तो ये सफ़ेद कलर का पाउडर स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल है, लेकिन अभी मेरे को झेलना पड़ेगा, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, वैसे कुछ पता नहीं है, पर वार्निंग्स तो लगी हुई थी, पानी को भी टच ना करने की वार्निंग्स लगी थी। और ये जूते यहाँ से हाथ में रख के जा रहा हूँ, क्योंकि अभी जुराब के अंदर, जूते के अंदर अभी पैर डाले जुराब के साथ, तो जुराब में भी वो वाइट पाउडर लग जाएगा जो ज़मीन पर आपको दिख रहा है। वहाँ पर अभी भी प्री वेडिंग की फ़ोटोशूट हो रही है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, वो देखो कल के जो इवेंट के बारे में सारी डिस्कशंस होगी, ऑलरेडी हम एक बार ब्रीफ ले चुके हैं सारी डिस्कशंस का, तुमको ऑलरेडी पता है, पर अभी और क्रिएटर्स अब आए हैं और हम तो सुबह ही निकल गए थे और पहुंच भी गए थे जल्दी। अरे पाँव अरे इस कंकड़ पत्थर पे चलना पड़ेगा नंगे पाँव, यहाँ से निकल जाऊँगा, कोई साफ़ करने की जगह ढूंढता हूँ और फिर इस जुराब को साफ़ करता हूँ। अभी कोई ना कोई महान ज्ञानी सोच रहा होगा कि जूते निकालने की ज़रूरत ही क्या थी, अबे कुर्ते में ये जूते कितने अनइवन और इतने गंदे लगेंगे, तुमको पता है क्या, कुर्ता पहनो फिर सोचना, इससे पहले कोई कमेंट करे रिप्लाई कर दिया मैंने, हालांकि कमेंट तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा ताकि वीडियोस की रीच बढ़े, तो कमेंट करो। अभी हम रुके इधर ऐसे बाइक चला रहे थे, लंबी दूरी है, आते वक्त गोविंद भाई ने चलाई थी बाइक और जाते वक्त मैं चला रहा हूँ, ऐसे ऐसे हम आधा आधा काम बांट लेते हैं। बाइक ले रही हमारी, हमने उनका नाम क्या जिनकी बाइक ले रखी है, बिंदी इंटरनेशनल की तरफ से जो हमें लेने आए थे ना उन्हीं की बाइक है, हमने सोचा मांग लेते हैं, घूम फिर के आते हैं, शूट वूट करते हैं, बस वीडियो बनाते हैं, अभी घर चलते हैं, होटल रूम कर रहे हैं, प्लस तो अभी हम हैं बिंदु इंटरनेशनल के कैंपस में, और जस्ट अभी ये जो सामने आपको रूम दिख रहा है इसमें एक किचन है, यहाँ पे हमने खाना खाया, रोटी सब्जी दाल चावल, एज ऑलवेज मतलब सुबह में भी वही अभी भी गॉट इट ना, सादा सादा खाते, थोड़ा सा सादा हो गया, थोड़ा मसालेदार बनने के लिए थोड़ा मसालेदार खाते हैं बाहर जाके। देखते हैं, वैसे तो अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं, 7:53 हो चुके हैं, क्योंकि ये गांव है तो गांव में सब जल्दी ही खा के सो जाते हैं ऐसा मैंने सुना, इसीलिए फिर हम डंपिंग यार्ड से वापस आए, अपने होटल गए, होटल में जा कर के मुँह धोया, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ क्योंकि रास्ते में इतनी धूल उड़ी कि 4 लेयर धूल के लग गए मुँह पे और पूरे शरीर पे। उसके बाद फिर घर पे हम जा कर के हमने मुँह धोया, फ़ोन वोन थोड़ा सा चार्ज किया क्योंकि दोनों फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी पूरे दिन शूट करने की वजह से, और शूट के साथ साथ धूप में शूट करने से बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है फ़ोन गर्म होने की वजह से, तो बैटरी ड्रेन हो गई फिर भी शूट कर लिया। और अभी हमें क्या था, बिंदी इंटरनेशनल के कैंपस में, बस अब यहाँ से हम जाएंगे तो फिर फाइल ट्रांसफ़र वगैरह करेंगे और हम
सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह सुबह यहाँ पर है जो भी मतलब एक प्रोग्राम होने वाला है, इवेंट नहीं कह सकते प्रोग्राम कह सकते, तो प्रोग्राम जो होने वाला है वही। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे, आज है, आज कितनी तारीख है, आज है 14 अक्टूबर, शनिवार का दिन है और सुबह 7:03। बहुत ही अच्छा मौसम, अभी अभी हम उठे हैं, मुंह धोया और आ गए चाय पीने के लिए इस चौराहे पे, और उधर है हमारा गेस्ट हाउस, थोड़ा सा पीछे रह गया। बहुत ही सुहाना मौसम है और ये मेरी पक्की वाली आदत है, हर जगह कहीं पे भी जब जाता हूँ तो सुबह सुबह उठ के आसपास घूम के छोटी सी चाय तो मैं पीता ही हूँ। वीडियो बन रही है इनका, और गोविंद भाई भी है साथ में, उधर एक छोटा सा पहाड़ है काफ़ी दूर, पर सुबह सुबह का सनराइज, मैंने सनसेट बोला क्या अभी थोड़ी देर पहले, सनराइज हो रहा है, सॉरी अगर मैंने बोला हो तो, मुझे कुछ याद नहीं है, अभी नींद खुली नहीं है प्रॉपर। तो यहाँ पे बस स्टैंड है, इस चौराहे पे तो बस स्टैंड है, और इस दिन को शुरू किया गया है इस शानदार सूर्योदय के साथ, और एक चाय की चस्की हो जाएगी तो परफेक्ट शुरुआत भी हो जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हरमाड़ा की पुलिस चौकी, हाँ झाली वाला मिष्ठान भंडार ग्राम पंचायत, यह मेन चौराहा। और जैसा कि मैंने गोविंद भाई को प्रेडिक्ट करके बोला था कि चौराहे पे चाय की दुकान होती ही है, बस मेरा प्रेडिक्शन गलत ना निकले, वो देखो चाय ही चाय है इधर तो मेरे हिसाब से। गोविंद भाई कैसा लगा मेरा प्रेडिक्शन आपको? यस, ये एग्जैक्ट वही माहौल है जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। पीना पड़ेगा कड़क चाय, ठीक ठाक भाई, ये कड़क चाय पी है हमने, हमें लगा सैंपल है, इतनी सी चाय है कितने के भी है? लो भाई तो स्कैम हो गया हमारे साथ, अभी हुआ नहीं है, 5 ही देंगे हम, पूछ लिया ना, अब 5 की चाय में 10 की बताई अभी, हरमाड़ा में हमें की, हरमाड़ा में स्कैम करने की कोशिश, 5 रुपए की चाय को हमें 10 रुपए बचा के बेचने की कोशिश की गई। अब अगर आप बोलोगे ना कि 10 की ही है और आपने 5-10 की क्यों बताई, तो पता है वो क्या बोलेंगे 2 कप की 10 बताई थी, जबकि उन्होंने 1 की बताई थी। स्कैम ऐसे ही होता है, पर कोई बात नहीं, चाय है ठीक अच्छी, किसी लड़कियों को लेके आता ना इस चाय पे तो वो पता है क्या बोलती, ओ सो क्यूट ये देखो ये है हमारा कमिंग चौराहा आई गेस, क्योंकि बस स्टैंड भी यही है। हाँ एक चाय और लेनी पड़ेगी, इसमें पता भी नहीं चला कुछ, एक चाय और लेंगे, आप भी पियो लो। आईफोन निकलौता ऐसा फोन है जिसमें सूरज अच्छा दिखता है, यही तो फायदा है, और किसी फोन में नहीं दिखता, अच्छा सैमसंग का भी ले लो। आईफोन इकलौता ऐसा फोन है जिसमें सूरज के साथ अगर इंसान हो ना सामने तो भी सूरज और इंसान दोनों अच्छे लगते हैं, आईफोन इकलौता ऐसा है। बाकी फोन्स में या तो सूरज दिखेगा या इंसान और दोनों दिखेगा तो घटिया, लेकिन आईफोन इकलौता है जिसमें अच्छा भी दिख सकता है, अच्छा ना दिखे तो कोई बात नहीं लेकिन साथ में दिख सकते हैं। को आपके गांव में क्या कहते हैं? हैंडपंप से मुंह धो रहा हूं। हैंड नहीं, गांव में कुछ कहते होगे ना, क्या हैंडपंप को? हमारे गांव में कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल, कॉल बोल रहे थे बिहार में। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत हरमाड़ा पंचायत समिति किशनगढ़ अजमेर। गोविंद भाई का देखो वीडियो बनानी है एक बड़ी, उसके लिए तब से दीवार ढूंढ रहे हैं बढ़िया सी। सूरज देखो तुम क्या बढ़िया लग रहा है, आईफोन है भाई, आईफोन में तो धूप अच्छी लगती। कूदोगे क्या आप? मेरे को वीडियो देखनी होती एक बार तो ज़्यादा बेटर शूट कर पाता।
क्योंकि अभी एक फनी वीडियो शूट करने वाला है। मैं भी सेम टू सेम चिपका दूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा। ओके शूट शूट कर, अभी हमने कुछ मस्त वीडियो शूट कर ली इसी इसी गेटअप में, एक्शन वाली, एक्शन प्लस कॉमेडी प्लस मजेदार गिर गिर के वीडियो बनाई दोनों ने। लेकिन वो मेन टॉपिक नहीं है व्लॉग करने का, अभी हम वापस जा रहे हैं। और मैंने जस्ट अभी कैमरा ऑन करके नोटिस किया कि अभी मुझे कुछ नहीं करना, हम रैंडम शूट कर रहे हैं। और मेरे बाल देखो, अभी क्यों जरूरत है इनको सेट रहने की। और अभी जब मेन शूट हम करने जाएंगे प्रोग्राम का, प्रोग्राम होने वाला है, तब बाल नहीं रहेंगे सेट, तब तो मतलब इतने गंदे। मैं इस बालों का कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये हमेशा मेरे अपोजिट चलते हैं, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों ये है हमारे गेस्ट हाउस से के छत से व्यू, ये पानी टंकी, वहाँ पे कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं और वॉलीबॉल का कोर्ट भी है। पहले पता होता तो मैं भी चला जाता खेलने। और इस साइड भी एक बहुत दूर एक छोटा सा पहाड़ टाइप है, छोटे वाले पहाड़ को क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं शायद, इसके लिए वर्ड है कुछ। टावर लगे हुए, 5G का नहीं है इधर, 4G का ही है आज। क्या कहते हैं, वहाँ पे तो हमेशा 5G मिलता था मुझे दिल्ली में, तो मेरा नेट कभी ख़त्म ही नहीं होता था। यहाँ आज पे आया हूँ, मेरे को काफ़ी महीनों बाद मेरे को 100% डाटा यूज का मैसेज आया कल, तो मेरे को थोड़ी देर के लिए तो शौक लग गया था। हाँ ये बगल वाले पे, हाय हाय बोल रही है मैम, उन्होंने बताया ना 5 पराठे खाए।